सो फाइनली दोस्तों वीवो ने कल चाइना में X80 सीरीज को अनाउंस कर दिया है, जहां पे इसके सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल लॉन्च किए गए हैं, वीवो X80 एंड वीवो X80 प्रो। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों स्मार्टफोन अपने प्रीवियस जनरेशन से बहुत सारी चीज़ें चेंज लेके आया है, इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की गई है। इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया गया है, इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं लॉन्च होगा तो कब लॉन्च किया जाएगा एंड किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। सो हाय गाइज, मैं हूं अविनाश, टेक अवे के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, इन दोनों स्मार्टफोन में से चलिए सबसे पहले हम वीवो X80 के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे हमें 6.78 इंच का FHD प्लस सैमसंग का E5 OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अपनी प्राइस को ये काफ़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। सामने की तरफ यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, सेंटर में छोटा सा पंचोल का कटआउट दिया गया है, जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे के साइड यहाँ पे जायज ऑप्टिक लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, 50+12+12 का सेटअप दिया गया है। जो मेन सेंसर है वो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि सोनी का IMX856 वाला सेंसर है, जिसमें कि OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। दूसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये भी 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, और यहाँ पे भी OIS का सपोर्ट दिया गया है। तो कैमरा अलाइनमेंट भी यहाँ पे काफ़ी सही रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, और यहाँ पे 80W की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है, डुअल सिम कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है, और NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। गाइज यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ दो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, मतलब स्टूडियो स्पीकर भी दिया गया है। हैप्टिक के लिए एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी दिया गया है, और डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे IP68 का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। गाइज वीवो ने X80 सीरीज के लिए अलग से V1 प्लस नाम की चिप भी डेवलप की थी, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से डिस्प्ले एंड कैमरा में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है और ओरिजिन OS ओशियन के ऊपर रन करता है। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो यहाँ पे फंटच OS 12 के ऊपर रन करेगा। अब गाइज अगर बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है। 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है एंड 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन से बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे LPDDR5 का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के पूरी कहानी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस इसे 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के चार वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB, इसकी प्राइस 3699 रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 43,000 होती है। सेकंड मॉडल को 46,000 में लॉन्च किया गया है, एंड जो थर्ड मॉडल है इसकी प्राइस 41,000 रखी गई है, एंड जो फोर्थ मॉडल है इसकी प्राइस 57,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रखी गई है। जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो पॉसिबली 8GB 128GB एंड 12GB 256GB के दो ही मॉडल में लॉन्च किए जाएंगे, और इसकी जो प्राइस रखी जाएगी वो पॉसिबली 45,000 to 50,000 के बीच रखी जाएगी। इससे अधिक मुझे नहीं लगता लॉन्च किया जाएगा। वैसे दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं वीवो X80 प्रो के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस फोन के भी स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 6.78 इंच का QHD प्लस सैमसंग का E5 OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 1500 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे टॉप ऑफ द नॉच देखने को मिलता है। iQOO 9 Pro जो इंडिया में लॉन्च किया गया है, उसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है सेम वही डिस्प्ले यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें भी दोस्तों कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, सेंटर में छोटा सा पंचोल का कटआउट दिया गया है, जहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे एक साइड यहाँ पे जायज ऑप्टिक लेंस के साथ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, 50+48+12+12 का सेटअप दिया गया है। जो मेन सेंसर है वो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है, और ये सोनी का IMX856 वाला सेंसर है, और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। दूसरा जो सेंसर है वो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं,
क्योंकि एक पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस है। चौथे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है और यहाँ पे भी OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कैमरा अलाइनमेंट यहाँ पे भी काफी तगड़ा रखा गया है। वैसे भी दोस्तों वीवो के आज तक जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं वहाँ पे कैमरे को लेकर आज तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब गाइज अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में तो यहाँ पे 4700 mAh की एक डिसेंट बैटरी दी गई है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और यहाँ पे 80 वोट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 50 वोट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों 3D अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ यहाँ पे दो स्पीकर देखने को मिलते हैं, मतलब स्टूडियो स्पीकर भी दिए गए हैं। सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है और सेकेंड टाइम वीवो के फोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया। गाइज यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। हैप्टिक के लिए यहाँ पे X एक्सिस लाइनर मोटर भी दिया गया। डुअल सिम कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है एंड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे भी IP68 का सर्टिफिकेशन दिया गया है। गाइज यहाँ पे भी वीवो ने V1+ चिप लगाई है तो डिस्प्ले एंड कैमरा में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये भी फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है और ओरिजिन OS ओशियन के ऊपर रन करता है। जब ये फोन इंडिया में आएगा तो फंटच OS 12 के ऊपर रन करेगा। अब गाइज अगर बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे दोनों मॉडल में फोन लॉन्च किए गए। एक मॉडल में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा एंड दूसरे मॉडल में MediaTek Dimensity 9000 वाला चिपसेट दिया गया है। वैसे दोनों ही चिपसेट बहुत ही पावरफुल चिपसेट है एंड फ्लैगशिप चिपसेट है। 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये दोनों चिपसेट बना है तो गेमिंग एक्सपीरियंस इन दोनों मॉडल के फोन से बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों LPDDR5 का RAM एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में तो गाइज इसे 8GB 256GB 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के तीन वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB इसकी प्राइस 5499 रखी गई है जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं 64,000 होती है। सेकेंड मॉडल को 70,000 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है इसकी प्राइस 78,000 रखी गई है। वैसे दोस्तों मैं ये Qualcomm वाले वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो MediaTek वाला वेरिएंट है उसे 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के दो मॉडल में लॉन्च किए गए। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस चाइना में 5999 रखी गई है जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 70,000 होती है और जो सेकंड मॉडल है उसे 78,000 में लॉन्च किया गया। और पॉसिबली जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो ज़्यादातर चांसेस है Qualcomm वाला वेरिएंट ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा जिसकी प्राइस इंडिया में अराउंड 70,000 to 75,000 के बीच रखी जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज अगले महीने के फर्स्ट वीक में सबसे पहले ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा क्योंकि वीवो इसके ग्लोबली लॉन्च को लेकर टीज करना स्टार्ट कर चुकी है और एक डेट्स भी सामने निकल के आए हैं। कहा जा रहा है 8 मई को ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एंड उसके लगभग 1-2 हफ्ते बाद शायद ये फोन इंडिया में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि X80 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन काफी टाइम पहले ही BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। तो कंफर्म है कि ये दोनों स्मार्टफोन मई के मंथ में ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। वैसे आप लोगों में से कितने लोग वीवो X80 सीरीज के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर वेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए